कानपुर की कारोबारी की पत्नी एकता की हत्या करने वाले आरोपी जिम ट्रेनर विमल सोनी 2 दिन की पुलिस रिमांड पर कई सवालों के चौंकाने वाले जवाब दे चुका है। इसके साथ ही आरोपी जिम ट्रेनर ने जानबूझकर कई सवालों के जवाब नहीं भी दिए। कस्टडी रिमांड पर 24 पुलिसकर्मी शामिल थे। इसमें 6-6 पुलिसकर्मियों की अलग अलग टीमें बनाई गई थी। टीमों ने उससे पूछताछ के दौरान 209 सवाल किए थे, लेकिन विमल ने इसमें से सिर्फ 87 सवालों के ही जवाब दिए। बाकी के 122 सवालों पर वो चुप्पी साधे रहा या पुलिस को गुमराह करता रहा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 48 घंटे की कस्टडी रिमांड के दौरान पुलिस ने विमल का सामना 3 मनोवैज्ञानिकों से कराया था। साथ ही विमल से पूछताछ के दौरान बनाए गए वीडियो भी उन्हें दिखाए गए। पुलिस के सवालों पर विमल के चेहरे पर बदलते भावों का अध्ययन करने के बाद मनोवैज्ञानिकों ने अपनी रिपोर्ट दी है। उनके मुताबिक पूछताछ के दौरान विमल के चेहरे पर कुछ ऐसे भाव उभर रहे थे जैसे वो कोई बात छिपाने की कोशिश कर रहा हो, वो ढीठ है और उसने जानबूझकर कुछ सवालों के जवाब नहीं दिए। विमल ने एकता के परिवार वालों की पूछे गए सवालों के जवाब तो दिए, लेकिन जहां वो फंसने लगता वहां चुप्पी साध लेता था। ये एकता के पति राहुल गुप्ता का कहना रहा। राहुल के मुताबिक जब उसने विमल से पूछा कि एकता की हत्या क्यों की तो उसने बताया कि उसे गुस्सा आ गया था। जब गुस्सा आने की वजह पूछी तो उसने कहा कि मैं एकता को मारना नहीं चाहता था। इस पर राहुल ने जब पूछा कि एकता के मोबाइल और पर्स में ऐसा क्या था जो दोनों को ठिकाने लगाना इतना जरूरी था, इन सवालों पर विमल ने चुप्पी साध ली। इसके अलावा आपको अब वो सवाल बताते हैं जिनके जवाब विमल सोनी ने पूछताछ के दौरान नहीं दिए। दरअसल विमल सोनी से पूछा गया कि एकता के साथ वो कब से रिलेशन में था, रिलेशन में था भी या केवल झूठ बोल रहा है। इसके अलावा हत्या का प्लान कब से दिमाग में बना, फरारी के दौरान किसने किसका साथ दिया। साथ ही पूछा गया कि ऑफिसर्स क्लब में खुदाई के दौरान किस किस को जानकारी थी। साथ ही ये भी पूछा गया कि आमतौर पर पहली बार हत्या करने के बाद आदमी घबरा जाता है, लेकिन विमल तुम्हारे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। इसके अलावा उससे ये भी पूछा गया कि ऑफिसर्स क्लब के पास की इमारत में लगे कैमरों में विमल सोनी की फुटेज क्यों नहीं मिली। ये वो सवाल थे जिनके जवाब विमल ने पूछताछ के वक्त नहीं दिया। विमल ने एकता के शव को जिस गड्ढे में दबाया था वो 2016 में पौधारोपण के लिए खोया गया था। गड्ढा महज 3.5 फीट का था जिसे विमल ने फावड़े और सब्बल से 2.5 फीट और खोद दिया। इसके बाद एकता के शव को उसमें डालकर ऊपर से मिट्टी, झाड़ियां और पत्तियां डाल दी गई। पुलिस ने फावड़े और सब्बल को ऑफिसर्स क्लब से बरामद कर लिया। साथ ही पुलिस ने विमल की कार और घटनास्थल से बरामद रस्सी, चुन्नी और सिर की हड्डियां फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दी ताकि ये पता चल सके कि घूंसा मारने के बाद विमल ने एकता का गला रस्सी से कसा था या फिर चुन्नी से। श्रवण कुमार जो डीसीपी हैं पूर्व के, उनका कहना है कि एडिशनल सीपी हरिश्चंद्र ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे विमल की कस्टडी रिमांड पूरी होनी थी। इससे पहले ही विवेचक धर्मेंद्र कुमार ने विमल का मेडिकल करा उसे जिला जेल में दाखिल कर दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 48 घंटे रिमांड पूरी होने के बाद भी पुलिस अभी कई अनसुलझे सवालों के जवाब हासिल नहीं कर सकी। विमल की निशानदेही पर उसका बैग बरामद कर लिया गया है जिसमें उसके दस्तावेज और 2-3 मोबाइल भी मिले हैं। मोबाइल में एकता से हुई चैट भी मिली, लेकिन बाकी मामले की जांच अभी की जा रही है। अभी तक विमल के भांजे की संलिप्तता के भी सबूत पूरी तरीके से नहीं मिले हैं। पुलिस के पास विमल के खिलाफ या इस मामले में विमल की संलिप्तता को लेकर जो भी सबूत हैं वो हत्यारोपी को सजा दिलाने के लिए काफी बताए जा रहे हैं। जरूरत पड़ी तो आरोपी को एक बार फिर रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ कर सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।